only hang out with lawyers. अभी देख लो. हमारी लाइफ जैसे लॉयर्स के बीच में सीमित हो जाती है. यार स्टैंड अप भी किया तो कि भाई लॉयर. एक तो क्या हो जाता है ना हमारे साथ की दोस्त भी लॉयर, दुश्मन भी लॉयर. यहाँ तक कि आपके साथ रह रहे के आपके मुंशी और ड्राइवर भी वकालत सीख जाते हैं भाई. बाकी तो सब छोड़ो, उन्हें भी प्रोविजन पता चल जाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी निकालना वो भी जानते हैं. तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. आप यूजुअली देखते होंगे कि डेट भी अक्सर लॉयर्स आपस में लॉयर्स को ही कर रहे हैं, शादियां भी लॉयर्स की लॉयर्स में ही हो रही हैं. Yes. बहुत बहुत रेयर है कि मतलब अ लॉयर इज डेटिंग या इज विद अ नॉन लॉयर, राइट? सर दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग टू अ लेवल कि मेरे टिंडर पे भी रिकमेंडेशन सिर्फ लॉयर्स के आते हैं. हर टाइम लॉयर, ऑफिस में लॉयर, डेट्स पे लॉयर. सो आई डिसाइडेड कि नहीं इस बार लाइक लेट मी डेट अ नॉन लॉयर. सो इट वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस गाय. लाइक ही वाज रियली क्यूट. यार क्यूट तो मैं इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उसने ना सफेद शर्ट काली पैंट ही पहन रखी होगी. हमारा तो क्या है ना, सुबह क्लाइंट को अपीयर कराया उसकी डेट पे ऐसे, और फिर शाम को अपनी डेट पे भी ऑफिस के बाद. एंड वो रिच वाली बात, उसका कॉम्प्लीमेंट भी कुछ ऐसे था. ही टोल्ड मी माय स्माइल इज अ मिलियन डॉलर्स. यार मैं गया पिछले हफ्ते डेट पे, ठीक है, स्माइल को लेके कुछ नहीं है, ठीक है. मैंने तो मतलब कॉम्प्लीमेंट भी अब ये है लॉयर हैं तो भाई कुछ लगना चाहिए, लीगल है मामला. सो आई वाज लाइक मोनिका योर स्माइल इट शुड हैव अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इट्स ओन. ये लाइन पे आगे सारे सिंगल लॉयर्स मारेंगे आपसे. खैर आई आल्सो गिव हिम अ लीगल कॉम्प्लीमेंट. आई रियली लाइक हिज आईज. सो आई टोल्ड हिम योर आईज आर जस्ट लाइक आर्टिकल 21, सो डीप. तो इसका एम्बिट हम यहाँ लॉयर्स तो सारे समझ रहे हैं. yeah. इसकी डेप्थ बेसिकली तुम्हारे उस इन्वेस्टमेंट बैंकर को समझ आ गया था. पता नहीं, बट ही लाइक्ड इट. एंड देन ही आस्क्ड, बट देन ही आस्क्ड मी लाइक द मोस्ट बोरिंग क्वेश्चन अ नॉन लॉयर विल आस्क अ लॉयर. व्हाट काइंड ऑफ अ लॉयर यू आर. अब उसको लगा कि कुछ सिंपल सा होगा, सिविल क्रिमिनल लॉयर. एंड देन आई हैड टू एक्सप्लेन आर्बिट्रेशन टू हिम. आर्बिट्रेशन समझाना बहुत आसान है वैसे किसी नॉन लॉयर को. आपको क्या कहना है, आर्बिट्रेशन वो जो सीपीसी का सौतेला भाई है और जिसे लिटिगेशन ने फ्रेंड जोन कर दिया है. शायद इससे समझ जाता हूं नेक्स्ट टाइम. ओके, बट देन फूड केम, बट द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन हैपेंड. वेज खाना मंगाया था, नॉनवेज आ गया. तुम्हारे अंदर का तो वकील जा गया होगा. बिल्कुल. I saw a legal dispute, तुरंत manager को बुलाओ. And then जो मन में आ रहा था, like implied contract था, आपने उसको breach किया, section 18 cobra, जो याद आता, section 24 food safety security act, सब सुना दिया. Read with section 151 CPC. बस उसने वकील से पंगा ले लिया था. तो खैर arguments कबूल हुए, सब कुछ फ्री, फूड, डिनर, वाइन, डेजर्ट, एवरीथिंग ऑन द हाउस. उस इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ पहली बार हुआ होगा किसी कॉर्पोरेट वाले के साथ कि भाई सोडेक्सो के पासेस के अलावा और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे भी खाना आपका फ्री हो सकता है. यहाँ आप लोग लड़ सकते हो, मेरी तरफ से पूरी आ जाएगी भाई, जो खाया पिया बाल निकाल दो, लड़ लो जैसे. सो मुझे तो लगा लड़का इम्प्रेस, मैं बिल्कुल, बट फिर भी वो लगा हुआ था रिव्यू लिखने, इतना टाइम लगा कि इतना बोरिंग. सो मुझे तो बोलने का मन किया कि इतना टाइम तो केशवानंद भारती लिखने में भी नहीं लगा. एंड देन लाइक ही ड्रॉप मी बैक. आई थॉट amazing, मैं तो केस जीत चुकी हूँ and everything. I was sure there's going to be a next date. He dropped me and ऐसा लगा जैसे वो जान छुड़ा के भागा. यार बात पता है क्या है, हम मतलब उसने एक चीज रियलाइज करी होगी जो यहाँ बैठे हुए हम मेल लॉयर्स रियलाइज नहीं करते फीमेल लॉयर्स के बारे में, that they have been professionally trained to argue. बाबा समझो, हम लोग अपनी उसमें रह जाते हैं. Besides being a lady, she is a lawyer as well. Okay, but isn't it a lovely idea कि अगर lawyers को lawyers से ही शादी करनी है, तो let's make like a matrimonial website next venture.
कि shaadi.com only for lawyers. हाँ, और मतलब इसके नाम कितने फैंसी होंगे, है ना, wakeelvivah.com. आज की opposite counsel, कल की हम सफर. I've got one, attorneymatrimony.com. कोर्टरूम से बेडरूम तक. पर इस पे प्रोफाइल बना के फायदा है, मतलब मैच मिले ना मिले नेटवर्किंग तो हो जाएगी. ऐसा क्या लिखोगे कि नेटवर्किंग हो जाएगी? क्या लिखोगे, अपने बारे में लिखना होगा. फुलकेत अग्रवाल, एडवोकेट, एज 29 लेकिन अगर टाइम शीट ऐड कर ले जैसे यहाँ किसी और की करेंगे तो 39 निकलेगी कम से कम. मैं बड़ा कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम शीट एक लिख के देनी है. क्लाइंट्स को पता नहीं है यहाँ मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, मुझे बड़ी टाइम शीट देनी है. पर अच्छी चीजें लिखी जाती है ना उसमें, जैसे कि अपीयरेंसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, इवन 30,000 कोर्ट, गाजियाबाद कोर्ट, अपीयरेंसेस इन ओवर लाइक 50 मैटर्स. 50 50 कोई मानेगा इधर? 50 एडजर्नमेंट्स इनर. पर अच्छी चीजें भी तो लिखी जाती है ना, कि कॉन्फ्रेंसेस लाइक महीने में 3-4 कॉन्फ्रेंस हो जाती है. कॉन्फ्रेंस मतलब गेट नंबर 60, दिल्ली हाई कोर्ट, सुल्तानपीना. हमारा कॉन्फ्रेंस तो वही है यार. पर अच्छी चीज एंड में तो लिख देता मैं, जैसे आजकल नया चला है सुपर लॉयर, कि सुपर लॉयर में इंटरव्यू आया है मेरा. नहीं, झूठ बोल रहा है कोई नहीं. लेकिन इसको पढ़ के माँ बाप इम्प्रेस हो सकते हैं, पर अगर इसके नीचे पूछ लिया जाए कि आइडिया ऑफ एन आइडियल डेट फॉर पुलकित, इट बी आओ कभी कचहरी पे.